हमें टीटीपी के बहुत से लोग मतलूब हैं जिन्होंने हमारे यहाँ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं. आर कंसर्न्स आर जेन्युइन एंड आर एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो नेचुरल. अफगान्स एंड द तालिबान हैव सेड इज दैट दे विल नॉट अलाउ देयर सॉइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनीवन. कालेदम टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान के तहफुजात हकीकत पर मबनी हैं. तालिबान ने यकीन दिलाया अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम नहीं चाहते कोई भी दहशतगर्द तंजीम अफगानिस्तान में फाल हो. तवक्को है अफगान अवाम ऐसे अनासर की हौसला शिकनी करेंगे. वजीर खारजा के स्वीडन और सऊदी अरब के हम मनसबों से भी राबते, बोले अफगानिस्तान में अमन का मतलब खित्ते में अमन है. OIC का हंगामी इजलास बुलाने पर सऊदी वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया. अफगानिस्तान में तालिबान और आखिरी मुजाहमती ग्रुप में जंग छिड़ गई. तालिबान ने पंजशीर का मुहासरा कर लिया. ताजा दम दस्ते पहुंचा दिए, कई चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया. जबल और सिराज के करीबी खूनी झड़पें हुई. फरीकैन के एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे. अमर अल्लाह साले और अहमद मसूद कहते हैं कई सूबों के लोग साथ देने आ रहे हैं. तालिबान ने मुजाहमती फौज की जानिब से अंदराब में 300 जंगजुओं को मारे जाने का दावा मुस्तरद कर दिया. मुखालिफ मलेशिया को एक बार फिर हथियार डालने पर आम माफी की पेशकश कर दी. काबुल एयरपोर्ट पर हजारों का मजमा, नामालूम अफराद की फायरिंग, एक अफगान अहलकार हलाक, 3 जख्मी हो गए. जर्मन फौज के मुताबिक हमलावरों ने शिमाली दरवाजे पर मुहाफिजों को निशाना बनाया. जर्मन और अमरीकी फौजियों ने अफगान मुहाफिजों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की. बरतानवी वजीर दिफा का आज की झड़पों से ला ताल्लुकी का ऐलान. तालिबान ने सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया. कहा इनखला का ड्रामा रचाकर अमरीका शिकस्त को छुपा रहा है. इत्तेहादी अफवाज का 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसीक का इशारा. अमरीकी सदर कहते हैं G7 ममालिक से बात होगी, तारीख बढ़ा सकते हैं. बरतानवी वजीर आजम भी इनखिला की डेडलाइन में तौसीक की बात करने के लिए तैयार. तालिबान का भी दो टोक जवाब आ गया. सुहेल शाहीन ने कहा 31 अगस्त सुर्ख लकीर है, तौसीक का मतलब अफगानिस्तान पर कब्जे में तौसीक होगा. तारीख तब्दील की गई तो नतायज अच्छे नहीं होंगे. पाकिस्तान में से TTP के फकीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा रबता है. अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी TTP को इस्तेमाल करने की. अफगान सरजमीन पर कलदम TTP को फाल नहीं होने देंगे, तालिबान ने यकीन दिला दिया. वजीर दाखिला कहते हैं अफगानिस्तान सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज है. 1000 से ज्यादा लोगों को इमिग्रेशन दी, 4000 लोगों को वीजे जारी किए. शेख रशीद ने दुश्मनों को फिर पैगाम दे दिया CPAC के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी. अफगानिस्तान को जो मसला है इसके फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए. जो माजी में बंद कमरों में फैसले हुए हैं उनसे पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ. गैर मुतनाजा मुतफिका अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में तय की जाए. साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया. लीगी रहनुमा ने कहा अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए. नैब पर भी कड़ी तनकीद, बोले हुकूमत के स्कैंडल इदारे को नजर नहीं आते, नैब मुल्क का करप्टरीन इदारा है. मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया. IG पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवा दी. बताया तहकीकात के लिए 4 टीम्स बनाई, 92 अफराद को गिरफ्तार किया, 30 वीडियोस और 60 तस्वीर जमा की. नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की जिन्हें गिरफ्तार किया. निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां की. मुलजिमान को मिसाली सजाएं दिलवाने का आजम. केस में मजीद 34 मुलजिमान गिरफ्तार. 90 को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया. मुतासरा खातून केस में पेशरफ्त से मुतमईन. मैं खुश हूँ जो एक्शन लिया गया, जो फैसला किया, मैं उससे बहुत बहुत मुतमईन हूँ. मैंने 2-3 को पहचाना हुआ है और मुझे पता है कि वो इस तरह की सजा देंगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस चीज को करते हुए डरे.
बिहाड़ी से लाहौर आने वाली माँ बेटी को रिक्शा ड्राइवर्स ने ज्यादती का निशाना बना डाला। एक रिक्शा ड्राइवर ने रास्ते से साथी को बिठाया, खवातीन को मंजिल पर पहुंचाने के बजाय वीराने में ले गए और घिनौनी वारदात कर डाली। पुलिस ने मुलजिमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम उमर पहले से ज्यादती के दो वाकयात में मुलव्वस निकला। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं मुलजिमान की गिरफ्तारी चैलेंज थी, कामयाबी के लिए मन्नत मांग ली थी। और फुल डोज जो प्रोग्राम होता है वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे, और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इनको सजाए मौत दिलवाई जाए। और यकीन करें कि जब ये रात को पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है तो हमने मन्नत भी मांगी कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे। रावलपिंडी में 16 साल लड़की से मदरसा मुहतमम के मुबैना ज्यादती का केस, मीडिया पर शोर मचा तो पुलिस जागी। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में छापे, मुलजिम के भाई भतीजे और मदरसे के नायब मुहतमम को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम की मुतासरा तालिबा के घर आमद, इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। 20 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तलबा वालिदैन और स्कूल एसोसिएशंस की तनकीद काम कर गई। सिंध हुकूमत ने 30 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए, स्कूलों को 50% हाजिरी के साथ खोला जाएगा, वालिदैन को वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा। स्कूलों की बंदिश के खिलाफ सिंध के कई शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। कराची में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। 28 साला गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा अली 7 माह की हामिला थी, वैक्सीन नहीं लगवाई थी। गुज़श्ता रोज भी कराची में हामिला डॉक्टर महनूर इंतकाल कर गई थी। वजारत सेहत और तिब्बी माहरीन का कहना है कि हामिला खवातीन वैक्सीन लगवा सकती हैं। साइनोवैक, साइनोफार्म और मॉडर्ना समेत तमाम वैक्सीन हामिला खवातीन के लिए महफूज हैं। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 80 अमवात और 3772 केसेस रिपोर्ट हुए। बतौर चेयरमैन पीसीबी काम करते रहे, वजीर आजम का मुलाकात में इसरार, एहसान मानी का इनकार, बोले 3 साल तक काम नहीं कर सकता। आईसीसी इवेंट की मेजबानी के मामलात पर वजीर आजम ने इस्तफसार किया तो मानी ने बताया 3 से 4 माह दरकार है। इमरान खान से रमीज राजा की भी मुलाकात, क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज पेश की। वजीर आजम अगले चेयरमैन के लिए गवर्निंग बोर्ड को 2 नाम तजवीज करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेजबान अब श्रीलंका नहीं पाकिस्तान, शायकी ने क्रिकेट के लिए बड़ी खबर आ गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम रवा हफ्ते पाकिस्तान आएगी, सीरीज सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगी। दोनों टीम्स 3 एक रोजा मैचेस खेलेंगी। और जिस पर टीम के दरवाजे 11 साल बंद रहे मगर वो आया, बल्ला चलाया और ऐसा चलाया कि जमाना उसका दीवाना बन गया, ये है फवाद आलम। परफॉर्मेंस से नाकदीन को जवाब दिया, एक बार नहीं बार बार दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी जड़ दी। कहा वालिदा ने फोन करके कहा था तुम सेंचुरी बनाओगे।